हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। हमारी आज की क्लास 18 अप्रैल के डेली करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ इस करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या 12 अप्रैल? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 2020 की थीम थी ग्रामीण परिदृश्य, और इस दिवस का उद्देश्य है लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, पीवी सिंधु या सुरेश रैना? तो हाल ही में रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय महाजन, राजीव जैन, अरविंद कुमार या विजय पाटिल? तो हाल ही में अजय महाजन को केयर रेटिंग के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। केयर रेटिंग्स की बात करें, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश ने अपना 73वां स्थापना दिवस कब मनाया? 11 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 17 अप्रैल? तो हाल ही में 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी शिमला और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं जो कि हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं? दक्षिण कोरिया, ईरान, उज्बेकिस्तान या नाइजीरिया? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव हुए हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी सियोल है, और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं मून जे इन, और इनकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है? बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम या मिजोरम? तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। बिहार राज्य की बात करें, राजधानी पटना और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वर्तमान में गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं जो कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया है? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी? तो एसबीआई ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया है। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों की FMCBG बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या प्रहलाद सिंह पटेल? तो इसका प्रतिनिधित्व निर्मला सीतारमन ने किया था। FMCBG की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और G20 ग्रुप ऑफ 20 जो कि 19 देशों और यूरोपियन संघ का एक समूह है, और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 13 अप्रैल? तो भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारतीय रेल में भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, और भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत अरोड़ा, अजय महाजन, राजीव कुमार या अनूप सिंह? तो हाल ही में विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटीएम की बात करें, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में
स्थित है और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी? तो बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बीएसएनएल की बात करें, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार। और हमारे इसी तरह की डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।